पहला उदाहरण लेते हैं जो कि इस प्रकार है कि स्वतंत्र परीक्षणों का एक अनंत अनुक्रम को किया जाना है और प्रत्येक परीक्षण के परिणाम स्वरूप प्रायिकता P के साथ सफलता प्राप्त मिलती है और प्रायिकता एक ऋणात्मक P के साथ विफलता मिलती है। तो हमें किसी भी परीक्षण में होने वाली सफलता और विफलता के प्रायिकता दी हुई है। अब इस प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि कम से कम एक सफलता मिलती है प्रथम N परिणामों में। यहाँ N एक चर है जो कि हमने परिणाम किए हैं किसी भी प्रयोग में और उसके प्रथम N परिणामों में हमें कम से कम एक सफलता मिले, इसकी प्रायिकता क्या होगी। इसी के साथ हम अन्य तरह की प्रायिकता की गणना कर सकते हैं कि हमें प्रथम N परिणामों में सटीक K सफलताएं मिलती हैं। तो K भी यहाँ पे चर है लेकिन एक हम K सटीक चाहते हैं। और एक अन्य तरह का प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सभी परिणामों में सफलता प्राप्त हो। तो आइए हम इसके हल की ओर बढ़ें। तो पहले भाग के हल के लिए हमें यह पता है कि हमें इच्छित प्रायिकता जो यह है कि हम कम से कम एक सफलता मिले हमें N प्रयासों में और N परिणामों में। तो उसको ज्ञात करने से पहले हम उसकी पूरक घटना जो कि प्रथम N परिणामों में कोई भी सफलता मिले को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उस प्रायिकता को निकालें। तो वो प्रायिकता होगी उस पूरक घटना की। मान लेते हैं कि EI उस घटना को दर्शाता है कि हमें आईवे परीक्षण में असफलता प्राप्त होती है। तो कोई भी सफलता न मिलने की प्रायिकता स्वतंत्र परीक्षणों के लिए लिखी जा सकती है संयुक्त प्रायिकता N घटनाओं के, जो कि घटना हमें मान रखी है। तो यह घटना चूंकि ये सारे स्वतंत्र परीक्षण हैं इसलिए इन घटनाओं की संयुक्त प्रायिकता इनकी खुद की प्रायिकता के गुणन के बराबर होगी। चूंकि हमें यह पता है कि परिणाम असफल रहने की प्रायिकता एक ऋण P है तो N परिणामों के असफल होने की प्रायिकता एक ऋण P घात N की होगी चूंकि ये सारी प्रायिकता आपस में बराबर हैं। तो अब हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि प्रथम N परिणामों में कम से कम एक सफलता मिलने की प्रायिकता होगी एक पूरक घटना जो हमने ऊपर प्रायिकता निकाली है। अतः उसका मान एक ऋणात्मक P घात N जो कि हमने पूर्व निकाला है के बराबर होगी। तो यह हो गई हमारी प्रायिकता प्रश्न के प्रथम भाग की जिसमें कम से कम एक घटना। अगर हम ये प्रायिकता सीधे सीधे निकालते तो हमें प्रायिकता निकालनी पड़ती एक सफलता की, दो सफलता की, करते करते N प्रयासों में हमें कुल N सफलता भी मिल सकती है। तो हमने यह देखा कि अगर हम किसी घटना की प्रायिकता अगर पूरक घटना की निकाल सकें तो वह भी उस घटना की प्रायिकता निकालने के लिए एक आसान तरीका होता है। आइए दूसरे भाग की ओर बढ़ें। दूसरे भाग में हमसे यह पूछा गया है प्रश्न में कि हमें सटीक के सफलताएं मिलें। अब हम कम ज़्यादा नहीं केवल सटीक सफलताएं चाहते हैं N परिणामों में जिनका की मान K है। तो प्रथम N परिणामों में K सफलताएं हमें बहुत तरह से प्राप्त हो सकती हैं। उनके कुल प्रकार आप लिख सकते हैं NCK। तो ये NCK का मान आपको पता है जहाँ के हम पहले भी देख चुके हैं। अतः चूंकि हर एक अनुक्रम के सफलताओं का जो होगा उनमें चूंकि N परिणाम लिए गए हैं तो N माइनस के असफलताएं मिलेंगी और इनके घटित होने की प्रायिकता हम पुनः यह ध्यान देते हुए कि ये सारे परीक्षण स्वतंत्र रूप से किए गए हैं तो इनकी संयुक्त प्रायिकता होगी इन घटनाओं की स्वयं की खुद होने की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर। चूंकि किसी भी एक अनुक्रम N परिणामों के जिसमें कि K सफलताएं मिली हैं तो कुल सफलता की प्रायिकता चूंकि मिलने की P है तो P घात K और असफलता को हमने देखा है P के संबंध में कि एक ऋण P है तो एक ऋण P घात N माइनस K है। N माइनस K असफलताओं की संख्या है किसी N परिणाम में। तो यह प्रायिकता हमें इस प्रकार प्राप्त हो गई। यह किसी एक अनुक्रम की प्रायिकता है। तो अब इच्छित प्रायिकता हमारी को हम लिख सकते हैं कि वह होगी चूंकि कुल
प्रकार हमने ऊपर ही निकाल रखा था कि वो है एन सी के, तो एन सी के चूँकि ये सब स्वतंत्र हैं तो यह उनके गुणन के बराबर होगा। तो हमने जो प्रायिकता निकाली ऊपर किसी एक एन परिणाम में जिसमें कि के सफलताएं हैं और एन माइनस के असफलताएं हैं उनको गुणन कर देंगे हम कुल प्रकारों से, तो अतः वह प्रायिकता आपके सामने लिखी हुई है। तो यह तो उत्तर हो गया हमारे बी भाग का जिसमें कि हमने कोई सटीक सफलताएं की बारे में प्रायिकता की गणना की। अब अंतिम भाग यह पूछ रहा है कि हमारे सारे परिणामों में हमें सफलता मिले तो वह जो हमने मान रखी हैं घटनाएं उसके संबंध में हम लिख सकते हैं, चूँकि भाग एक में हमने जो घटनाएं ई आई मानी हैं वो असफलता मिलने की है आई में परीक्षण में, तो उसके अनुसार प्रथम एन परिणाम में हर परिणाम में मिलने वाली सफलता प्राप्त होने की प्रायिकता दी जा सकती है एक पूरक घटनाओं के संयुक्त प्रायिकता के, जिसमें कि ई वन सी बताता है घटना ई वन के पूरक प्रायिकता। इसी तरह एन परीक्षणों में हमें सफलता मिलनी है क्योंकि हमने जो घटना मानी थी वो असफलता की है, इसलिए पूरक घटना होगी सफलता मिलने की। तो इन सबके गुणन चूँकि ये सारे परीक्षण स्वतंत्र होते हैं तो हम इन एक सफलता के मिलने वाली प्रायिकता के गुणन एन बार अतः या पी घात एन के बराबर होगी। तो ये तो सफलता हो गई मिलने की। चूँकि अनंत परीक्षण ये तो हमने नहीं बताया गया, हमें तो प्रश्न में यह बताया गया कि हमेशा परीक्षण जब भी करें तो हमेशा हमें सफलता प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो उसकी गणना चूँकि हमें एन का मान नहीं पता है तो हमें प्रश्न के कथन में एन नहीं बताया गया है, तो हमें इसको और साधारण बनाना पड़ेगा कि हम माने कि हमने अनंत स्वतंत्र परीक्षण किए तो ये प्रायिकता कैसे दी जा सकती है। तो हम यह देखते हैं कि किसी एन परीक्षणों में यह प्रायिकता का मान पी घात एन आता है। अगर हम एन का विभिन्न मान रखें जो कि एक से लेकर अनंत तक लिखेगा तो यह एक अनुक्रम प्रस्तुत करेगा जो घटता अनुक्रम होगा, क्योंकि पी घात एन है, पी एक प्रायिकता है जिसका कि मान एक से कम होता है, तो उसकी घात लेने पे हमें एक अनुक्रम प्राप्त होगा जो कि एक घटता हुआ अनुक्रम होगा। तो उस अनुक्रम को हम इस्तेमाल करके हम इच्छित प्रायिकता इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो यह है हमारे पूरक घटनाओं के पूरक घटनाएं जो कि अनंत बार की जा रही हैं। तो हम ये इस्तेमाल करते हुए कि n की प्रायिकता जो है वो p घात n है, तो इसको हम एक लिमिट के तरह व्यक्त कर सकते हैं जिसमें n का मान अनंत की ओर जा रहा हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इस प्रायिकता को n पदों की प्रायिकता जहाँ के n का मान अनंत की ओर जा रहा है, क्योंकि प्रायिकता एक की निरंतरता का गुण के कारण हम इस प्रायिकता को लिख सकते हैं कि एक ऐसी श्रेणी जो कि बनी है p घात n में जहां n अनंत की ओर जा रहा है, तो इस घटती हुई श्रेणी का मान होगा शून्य अगर p का मान एक से कम है, और अगर यह प्रायिकता घटते घटते शून्य हो जाएगी, और अगर p का मान एक के बराबर है तो यह प्रायिकता हमेशा एक बनी रहेगी। तो यह इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर होगा।